मिल गया यार। वो डाटा उड़ा दिए उड़ा दिए हाँ, वो जो है वो बड़ा मस्त है। छितर मार रहे थे पकड़ बस यार ऐसे ही है, मारता भी तो उसको फायदा क्या होना। सेहतमंद नहीं, आज के बैसा लग रहा है डाटा के सर। मतलब सारे लेक्चर यही तो प्रॉब्लम हुई है, अब तुम्हें समझ आई। बाकी तो कोई चीज का मसला ही नहीं है, पेपर दोबारा बन जाते हैं। मेरे पास बुक्स मेरे पास हैं, उसका बैकअप पेपर सारा पड़ा है बुक्स का। लेकिन जो वीडियो लेक्चर बने थे वो तो पिछले 1 साल में बने हैं ना, वो 20 साल में तो नहीं बने। दिया तो हुआ है, लेकिन वीडियो लेक्चर वो आते कि नहीं आते हैं। असल मुझे टेंशन इसी की सिर्फ कि वीडियो लेक्चर मिल जाए किस तरह से, वो बहुत आसान हो जाता है उसमें तो। बच्चे के लिए बहुत आसानी हो जाती है ना, सारे बुकों ओ लेवल्स के SK2 के सब सारे बने हुए थे। अब तुम लोग दोबारा बना लूंगा, फिर यही करूंगा और क्या, एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठ के बना लूंगा और क्या। दिमाग में ही है ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं निकली ना। अगर देखे हैं अगर रियलिटी में कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, है तो मेरे ही कंट्रोल में, दोबारा बना लूंगा फिर। अच्छा जी, ओवर एनालिसिस शीट जो है ना वो हमने बनानी है, इसे कहते हैं ओवर एनालिसिस शीट। ये कौन सी शीट है कल वही जो हमने कल बनाई थी उस दिन। मैं नहीं आया थे लगे हैं अच्छा तुम नहीं आए थे, कोई नहीं समझ आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर क्या है बताता हूँ बताता हूँ। क्या ओवर एनालिसिस शीट क्या चीज सर ओवर एनालिसिस शीट कौन सी होती है ये यही होती है और क्या। हाँ उस दिन बनाई नहीं थी ये। उसने नहीं बनाई वो, फिर हम बना लेंगे अभी, कोई मसला फाइव की नहीं है। बता क्वेश्चन, अब वो तो नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन डिफरेंट करेंगे वो तो हो गया। तो आगे चलो, ये वाला प्रश्न अभी नहीं जाना चल सर, ये बनाई थी इसके 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। लेकिन रेट नहीं निकाल पा रहा। हां जी, क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई जून 2012-22। क्वेश्चन नंबर 2 मई जून 2012-22 गला है, यही करना है सॉल्व। हुसैन आपको आवाज आ रही है? जी सर, मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ क्वेश्चन की, वो आप देखिए। सर एक और लड़का आ रहा आपके क्लास में, मैं आपको सूट करके कोई केक जैसे नहीं करते बस एक केक सर की सब मुझे कर दूँ ये राबी नहीं यार राबी आ रहा है बिच में ले ली एक बार मिल ले तुम जैसे बच्चे कॉर्नर शोर में कहाँ होते हैं यार, तुम जैसे बच्चे कॉर्नर शोर में किधर चले गए? तुम तो एक नंबर के मेरा दार हो, तो अजी क्वेश्चन है कॉर्नर शोर में शरीफ बच्चे पढ़ते हैं ना, सादा सा भी शरीफ बच्चे सर। जी जी सर, ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है इसमें बेसिस का क्या मतलब है? कॉस के बाद जो बेसिस लिखा हुआ है यार, फॉर्मेट तो अभी फिलहाल जो फॉर्मेट पीछे बना हुआ है उसमें बेसिस लिखी नहीं आपने बिल्कुल। इस फॉर्मेट की भी भेजी तस्वीर में उसको यार, ये फॉर्मेट की तस्वीर ग्रुप में को शेयर कर दे यार, करे शेयर ग्रुप आगे 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 इसकी शेयर कर दे हुसैन, ग्रुप में बच्चा शेयर कर देता है। पर इसमें बेसिस का क्या मतलब है? बेसिस का मतलब यार ये है कि आप नेम करवाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी, अभी मुझे मैं साथ साथ करवाता जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन ना लो। तो क्या सीन है? बेसिस वो होगा ना फ्लोर एरिया वगैरह। हाँ फ्लोर एरिया वगैरह, किसकी किसकी बेसिस पर आपने एलोकेशन करनी है वो बेसिकली बताना है आपने। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं
लिखो अच्छा आपकी समझ में कल मैंने ना एक बिजनेस की ना ऑनलाइन कॉल की मैंने कहा पढ़ाते हैं कहते जी पढ़ाते हैं कहते मैंने भी कुछ देखा एक्सपीरियंस कहते 7-8 साल से बच्चों को इलेवन दो इलेवन पढ़ा रहे बिजनेस अकाउंट्स का एक काम करे मेरा जाने का तरीका ये है आप मुझे ये 15 पेजेस की पिक्चर लेके भेजे मैं कल ये सबक याद करके आऊंगा और आपको ये सबक सुना दूंगा अच्छा आपकी सप्ली कितने पे आती है अच्छा आपका तो वहाँ पे तो वो लेवल है ही लेवल है तो बैठे हुआ बड़ा अपनी तरफ से बांध रहे अच्छा ये तो यार हलवा यार ये सारा हलवा है मैंने कैसे मेरा 12 मार्क्स है वो तो टाइम कैसे करते हैं ये चेंज पॉइंट्स पकड़ो लिखते जाओ मैंने ठीक है सर कहते कल कितने बजे बजे आप मुझे ब्लॉग कर दिया सर कल फिर एक नहीं आया तू कह देता ना तू कह देता ना 20,000 ले लो दे दे कह देता 20,000 ले लो बंदे नहीं राहिल से ना पढ़ना यार पारिंग नहीं है वो लेवल्स के लिए ठीक है सर सर असल में वाले सर असल में भी 40,000 दे रहे बहुत बड़ी गेम है यार ज्यादा नहीं हो रहा बहुत बड़ी गेम है ये लेवल्स में छोटा भी नहीं चलता चलता है भी बड़े जॉब करते हैं यार सर आप सर असल में 40,000 ले लो सर नहीं कोई करा दो हम उनके घर आ देंगे बात तो कर लेता हूं कोशिश कर लेता हूं ना चले जी बेटा इसको हम कहते हैं ओवरहेड एनालिसिस शीट जो आपके सामने नजर आ रही है आपको इसकी हेडिंग भी हम दे लेते हैं थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए होगी ये लैपटॉप जो है वो मेरा नहीं है अभी मेरा लैपटॉप जो है वो गया हुआ है डाटा रिकवरी के लिए लेकिन हम इस पे काम कर लेंगे हमारा काम चलेगा कोई मसला नहीं सबसे पहले हमें देखें इसमें हमने करना क्या होता है अगर आप क्वेश्चन पे गौर करो क्वेश्चन आपके सामने हुसैन आपको एक्सपेंसिस दिए हुए इसे कहते हैं ओवरहेड्स हैं ये सारे के सारे ओवरहेड्स कौन से एक्सपेंसिस होते हैं जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट पे नहीं लग रहे होते जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है ठीक है जी फैक्ट्री में कोई सुपरवियन की वेजेस हैं सुपरवाइजर की वेजेस हैं फोरमैन की सैलरी है फैक्ट्री टैक्सेस हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी फैक्ट्री मशीनरी है अगर आप चेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हो कुर्सियां बनाते हो या कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जो जो मोटरसाइकिल का जो डेट आ रहा है जो मशीनरी मोटरसाइकिल आप परचेज कर रहे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है जिससे मोटरसाइकिल बन रही है और जो बंदा मोटरसाइकिल को असेंबल कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है बाकी सारे खर्चे जो होते हैं जिसमें रेंट भी है फैक्ट्री टैक्सेस भी हैं बिजली के बिल भी हैं और फैक्ट्री के दीगर अखराजात उन्हें हम सब कहते हैं ओवरहेड्स अब ओवरहेड्स को हम तमाम डिपार्टमेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मशीनिंग में असेंबली में मेंटेनेंस में कैंटीन में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है वो सवाल हमारा कोर्स में है सबसे पहले मैंने अगर आप सवाल पे गौर करें तो इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी है रेंट एंड रेट्स हैं मशीन इंश्योरेंस है प्रीमिसेस है इलेक्ट्रिसिटी है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है कंज्यूमेबल्स है इन सब एक्सपेंसेस को आपने इन चारों डिपार्टमेंट के अंदर पोर्शन करना है इन चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने इसको एलोकेट करना है तो देखिए कंज्यूमेबल्स पॉइंट था इसमें सुन लो नहीं होगा आपसे के लिए बता रहा हूँ शुरू किया है ना सवाल यार कंज्यूमेबल्स जो है कंज्यूमेबल्स वो ऑलरेडी एलोकेटेड है
ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कंज्यूमेबल्स जो है वो ऑलरेडी एलोकेटेड है, उन्हें आपको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमेबल्स कहाँ दिए हुए हैं, देखें जहां पे नीचे कंज्यूमेबल्स का वर्ड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 9550। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं एलोकेटेड, ऑलरेडी एलोकेटेड, ठीक है। उसकी अमाउंट मुझे बताओ कितनी कितनी है, इसकी मशीनिंग की कितनी है जी 9550, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। उसके बाद असेंबली की 9800, मेंटेनेंस की 550, कैंटीन की 1250। सबको ऐड करो जरा क्या आता है, देखो सबको ऐड करें तो आपके पास कंज्यूमेबल्स का टोटल ही आ जाएगा जो ऊपर दिया है, यानी कि 21150 ही आ जाएगा। चेक करना पड़ा, लेकिन चेक करना जरूरी है आपका, ताकि आपको पता चले कि टोटल वही आ रहा है। हाँ जारी बात है, यानी ये एक्सपेंस जो है वो पहले से एलोकेट करके दिया हुआ है तमाम डिपार्टमेंट, ये नीचे लिखा हुआ है, एलोकेशन नीचे है और कंज्यूमेबल्स एंड पे दिया हुआ है 21150। यानी कंज्यूमेबल्स जो है ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, मैंने लिख दिया एलोकेटेड है पहले से। अब हम चलेंगे किस पर, इनडायरेक्ट वेजेस को आपने एलोकेट करना है। हमें कैसे पता लगे ऑलरेडी एलोकेटेड, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस सारे दिए हुए थे कंज्यूमेबल्स के नाम से, दिए हुए थे कंज्यूमेबल्स के नाम से दिए हुए। अच्छा, जो सेम नाम हो वो समझे ऑलरेडी एलोकेटेड, अब ऐड करोगे तब भी आपके पास आ जाएगा ना भाई। कंज्यूमेबल्स को कंज्यूमेबल्स के हिसाब से एलोकेट की करके दे दिया ना उसने आपके। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट वेजेस, आई एम सॉरी, हो जाएगा इनडायरेक्ट वेजेस को आपने एलोकेट करना है जी किसके ऊपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। इनडायरेक्ट वेजेस को आप एलोकेट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, मैं लिखता हूँ निकालें इसको, पहले इसका हम इनडायरेक्ट वेजेस को बेटा हम एलोकेट करेंगे किस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। बिलाल आप क्लास में हो? जी सर। ओके, इसको मैं एलोकेट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, ठीक है जी। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को, देखिए आप अगर आप नीचे देखें कि इनडायरेक्ट वेजेस को आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर अपोर्शन करना है तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखें नीचे लिखे हुए आपको 70, 104, 16 और 10, इन सब का टोटल कर लेंगे। यानी क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एलोकेट आपने जब करना है तो आप क्या करेंगे जी, 70 + 104 + 16 + 10, टोटल बताएं कितना आता है जी, 200। अब क्या करेंगे जी, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का टोटल है हमारे पास वो हमें कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल सॉरी जो हमने एलोकेट करना है वो है 2120000, इसको हमें एलोकेट करना है ना। हम क्या करेंगे जी, 2120000 को डिवाइड कर देंगे 200 से, तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी, कितनी आ जाती है 2000 / 200। भी कंप्यूटर यूज कर लो, क्या मसला है, मैं तो ऑलरेडी इतना स्लो करवा रहा हूँ। 10,600 को बारी बारी आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हैं उनके साथ, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,600 को, तो मशीनिंग का आंसर आ जाएगा। बताएं जी क्या आता है, आई रिपीट अगेन, 10,600 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मशीनिंग की जो इनडायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट है वो आ जाएगी 7,42,000। ओके जी, नेक्स्ट 10,600 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 104 से, तो असेंबली की आ जाएगी कॉस्ट 11,02,400। यार एक बंदा को और भी साथ करे, 1,102,400, ऐसी गलती हो सकती है ना, इसलिए ठीक है बस मैंने ही कहा साथ साथ एक बंदा साथ और करे। आगे देखते हैं, फिर अगेन आप 10,600 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, कितना आता है जी, 169,600। फिर आप 10,600 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, 10 से, 106,000। ये मेरी बुक का पेज नंबर है 700 है पेज नंबर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और उसके आगे देखें, उसने क्वेश्चन में बेसिस वो डाटा सॉरी टेबल बना के दिया है आपके सामने, तो यू कैन इजीली सी फ्रॉम द टेबल एंड यू कैन राइट द अमाउंट्स इन द टेबल ऑल्सो, रादर देन मेकिंग
the whole overhead analysis sheet again. You can write it in the particular table which is given in the question. Sir, total यहाँ नहीं है ना, total. जी, अब total लिखना है मैंने, total यहाँ पे आ जाएगा. ये मैंने indirect wages को तमाम departments में allocate कर दिया, portion कर दिया मैंने. अब next sir, जी, इसमें तो यहाँ पे तो total क्या वो जगह ही नहीं है book में. ये cost है. book में नहीं है तो book में total क्या उसने column नहीं बनाया हुआ, यानी वो कहता है कि total की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं टोटल कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जरूरत है मुझे, ताकि समझ आगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में टोटल कॉलम आया करेगा. इसलिए कौन सी ये कॉस्ट तो आपने नाम लिखना है ना, जैसे मैंने नाम लिखा ओवरहेड कॉस्ट. अच्छे नाम होता है, नाम लिखना है उसका, इनडायरेक्ट वेजेस का नाम लिखा है. आगे नेक्स्ट देखते हैं जी. नेक्स्ट है जी आपका इनडायरेक्ट वेजेस के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी. रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हमने बेटा एलोकेट करना है किस किस हिसाब से जो आपके पास दिए हुए हैं मशीन आवर्स पर एलोकेट होगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन आवर्स पर एलोकेट होगा. अब उसकी वजह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर वो क्यों, क्योंकि जितनी देर मशीन चलेगी उसके हिसाब से उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी. जो ज्यादा मशीन चलेगी, ज्यादा घंटे चलेगी, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा आएगा. जो कम चलेगी उसका खर्चा कम आएगा. तो देखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल कितना आता है जी. 202500 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इसमें प्लस कर दूंगा मैं. सर ये आ रहा है 225000 मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का गाना जी, उसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा. 225000 मशीन आवर्स पे 225000. ठीक है जी. अब क्या करेंगे जी, अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम. हमारा टोटल जो एक्सपेंस है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल कितना दिया है जी, 410000. 410000 को मैं डिवाइड कर दूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी 225000 से. 410000 देखें कितना आता है जी. 1.82 को मल्टीप्लाई कर देंगे 205000 से, तो उस मशीनिंग की कॉस्ट आ जाएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की. 202500 कितनी आती है, 369000. नेक्स्ट देखते हैं जी. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है कि क्वेश्चन लंबा लेंथी है, ज्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए कैलकुलेशन करनी कैसे है. होता तो आसान ही है. अब करेंगे रिपेयर 1.82 मल्टीप्लाइड बाय 22,500, तो ये आ जाएगा 41,000. बेटा इसका टोटल आप करेंगे तो आपका वही बनेगा जो टोटल इन दोनों का कॉस्ट आप मिलके, यानी जो बन रहा है 225000. अब आपका सवाल उठता है कि सर मेंटेनेंस और कैंटीन में तो आपने जो है वो इसकी कॉस्ट ट्रांसफर ही नहीं की. बेटा उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस से तो ताल्लुक नहीं है, और उसकी हमें डाटा भी नहीं दिया हुआ. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिर्फ मशीन आवर्स पे हो रही है, तो मशीनें सिर्फ मशीनिंग और असेंबली में चलती हैं, इसलिए मेंटेनेंस और कैंटीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. सही बेसिस का टोटल आया है, इसको डिवाइड करेंगे. जी बिल्कुल, 410000 से डिवाइड करोगे ना, तो जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे. हो गया. नेक्स्ट चलते हैं जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस. गलत है, मुझे भी गलत लग रहा है. क्या ये 169600 नहीं, यही आ रहा है. फिर चेक करो यार, मल्टीप्लाई किस से कर किया है इनको. ये 3682 है ना, ये 369 तो आ ही नहीं सकता. वही ना, वो तो ज्यादा हो जाएगा उससे. मल्टीप्लाई किस से किया है इनको. 1.82 से 2025. ये गलत है, 369 नहीं आ सकता. सर मैंने ऐड करके देखा, 410000 बनता है. हां अच्छा ठीक है, फिर सही होगा. सही होगा, डिवाइड किया है. लेकिन 410000 नहीं, 410000 बनता तो फिर मैंने वो गलत लिखा सर. ठीक है, सही कह रहे हो. 369 मेरा तो 0.5 आ रहा है. यार तूने कैसे किया, टोटल को डिवाइड कर दिया मैंने, बेसिस के टोटल को डिवाइड कर दिया. तूने उसको भी, तूने ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली कौन सी वैल्यू रखी है. मैंने ऊपर वाली 410000. सर आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं. सॉरी सर, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपने असेंबली किस तरह फाइंड किया है बताता हूँ एक मिनट.
ओ यार आप ऊपर लिख दिए थोड़ा। तो ये तो आ गई वाले क्वेश्चन ये बता रहा है ये जो कैलकुलेट द ओवरहेड टू बी अनअप्रोच प्राइस। जी असेंबली मैंने ऐसे फाइंड किया यार के 410,000 मेरी टोटल कॉस्ट थी, उसको मैंने पहले जो बेस दी हुई थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मशीन आवर्स के टोटल से डिवाइड किया है, मेरे पास फ्रैक्शन आ गई 1.82 को मैंने मल्टीप्लाई किया 202,500 मशीनिंग के मशीन आवर्स से, तो मेरे पास उसकी कॉस्ट आ गई 369,000। फिर मैंने 1.82 को मल्टीप्लाई किया असेंबली डिपार्टमेंट के मशीन आवर से 225,000 से, तो मेरे पास असेंबली कॉस्ट आ गई। दोनों को एड करेंगे तो 410,000 ही बनेगा। ओके ठीक हो गया सर। किसी और को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आ गया जी रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स को आप करेंगे किसके ऊपर? फ्लोर एरिया पे। यस तो लिखता हूँ मैं इधर फ्लोर एरिया। सारे मेंटेनेंस नहीं निकालेंगे और कैंटीन का? नहीं उसका नहीं, क्योंकि देखो मेंटेनेंस और कैंटीन के तो मशीन आवर्स दिए नहीं हुए हैं। जब मेंटेनेंस कैंटीन के मशीन आवर्स नहीं दिए तो आप उसको कॉस्ट एलोकेट कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, एलोकेशन हो नहीं सकती उस पर कॉस्ट। जी रेंट एंड रेट्स को करेंगे फ्लोर एरिया पे। सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्लोर एरिया कर लेते हैं टोटल, तो 9+8+ डायरेक्ट कर लूंगा 17, 19 और 20 आ जाएगा 20,000। तो डिवाइड कर दूंगा फ्रंट एंड रेट 53,000 डिवाइडेड बाय 20,000 2.65। अब 2.65 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो फ्लोर एरिया मशीनिंग का है वो कितना है जी, वो है 9,000। तो 2.65 मल्टीप्लाई 9,000 कितना आता है जी बताएं? ये आ गया जी 23850। उसके बाद 2.65 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा असेंबली के फ्लोर एरिया से जो कि है 8,000। कितना आ जाएगा जी 21200। इसी तरह मैं अब मल्टीप्लाई कर दूंगा 2000 से 2.65 को, तो मेरे पास मेंटेनेंस का आ जाएगा जी 5,300। ठीक है। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से 2650 इसका आ जाएगा, और टोटल आप करेंगे तो टोटल डेफिनेटली आपका वही आना चाहिए जो कि आपका आता है, यानी कि टोटल इज 53,000 रेट्स के टोटल जो आपके पास कॉस्ट है जो एलोकेट करनी थी आपने। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, हम सर्टेन बेसिस को यूज करते हुए, बेस्ट बेसिस को यूज करते हुए ओवरहेड एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपोर्शन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है जी, बेसिस को यूज करते हुए। अब रेंट एंड रेट्स के बाद आपका क्या आ जाते हैं जी, मशीन इंश्योरेंस। मशीन इंश्योरेंस को देखते हैं जी, इसमें जाएगी जी बिल्कुल। मशीन इंश्योरेंस जो है वो आपकी जाएगी मशीन कॉस्ट के साथ। अब देखे मशीन कॉस्ट भी दो ही दी हुई यार, सिर्फ मशीनिंग और असेंबली की दी हुई, तो उन्हीं में जाएगी बस, बाकी में नहीं जाएगी। तो मशीन कॉस्ट का टोटल कर ले पहले 617,500 मशीन कॉस्ट जी, मशीन कॉस्ट 617,500 मैंने कहा जरा लिख लेते 9,50,000। ठीक है, इसका टोटल इसका आता है यार इंश्योरेंस का 24,000 है ना, 24,000 9,50,000 आता क्या यार, ये तो बताओ 0.02 क्या आता है सर? बस ठीक है 0.02 5 to 6 नहीं पूरे से करते, 0.02 5 to 6 इतना बड़ा भी नहीं है। अब 0.02 5 to 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 617,500 से, तो मेरे पास ये आ गया आपका 15,600। इधर मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे इसको हम किस पे कर रहे हैं, मशीन कॉस्ट पे बेस जो है, असेंबली को देख लेते हैं 0.02526 मल्टीप्लाई बाय 332500 क्या आता है जी,
8400 दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा जो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो कि आपका टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 24,000 इसी को एलोकेट करना था ना 24,000 आगे नेक्स्ट आपका आता है प्रीमिसेस इंश्योरेंस, नेक्स्ट में आता है प्रीमिसेस इंश्योरेंस। समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है भाई, पूछ ले अगर मसला है तो। आसान है सर ये तो। हाँ जी आसान है। प्रीमिसेस इंश्योरेंस को भी हम किस पे करेंगे, फ्लोर एरिया पे। प्रीमिसेस इंश्योरेंस जो है, जारी बात है बेटा, इंश्योरेंस जो है वो किसी भी जगह के हिसाब से होती है, लैंड की इंश्योरेंस एरिया के हिसाब से होती है, उसको भी हम फ्लोर एरिया पर ही एलोकेट करेंगे। तो हमने फ्लोर एरिया ऑलरेडी निकाला है, 20,000 टोटल उसका बनता है। तो हम जो मशीन प्रीमिसेस इंश्योरेंस है 28,000 को डिवाइड कर देंगे 20,000 से। नहीं नहीं 20,000 फ्लोर एरिया से 1.4 फ्लोर एरिया पे लोकेट करना है यार, मशीन इंश्योरेंस पे नहीं करना। अब 1.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से तो मशीनिंग की आ जाएगी प्रीमिसेस इंश्योरेंस की वैल्यू। जी टोटल 20,000 था, मैं निकाल लिया ना 1.4 × 8,000 टोटल कर लेंगे जी इसका हम, तो टोटल जो है वो आपका वही आ जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है, कितना है 28,000। टोटल को एलोकेट कर रहे हैं ना, टोटल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट प्रीमिसेस इंश्योरेंस के बाद आता है जी इलेक्ट्रिसिटी पावर, पावर यूजेज पे आएगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है पावर यूजेज पर एलोकेट करेंगे हम। 55 प्लस पावर यूजेज पे एलोकेट करेंगे 48। तो देखते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी पावर कितनी दी हुई हमें, वो है 48,000। पावर यूजेज का टोटल करना पड़ेगा आपको, 55 प्लस 35 आता है 90 पूरा आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा जी 48,000। फिर क्या आता है इसका डिवाइडेड बाय 100, 480 आ जाएगा। अब 480 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 55 से, तो असेंबली की मशीनिंग का आ जाएगा पावर यूजेज का आंसर। सॉरी यार, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को क्या बोलते हैं, मशीन कॉस्ट पे जी। 480 मल्टीप्लाई बाय 55 कितना आता है, 26400। नेक्स्ट देखते हैं जी, 16,000। नेक्स्ट जी 480 मल्टीप्लाई बाय 35 16,800। अगले दोनों का 2400 आगे 2400 इसका भी 2400 आ जाएगा। 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना तो सेम ही है। टोटल करेंगे आप तो टोटल आपका आ जाएगा जी ऐड करके आपके पास टोटल 48,000 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर के बाद, बहुत अच्छी बात है जी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। जी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को करते हैं जी हम, हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, हमने आराम से अपना कोर्स कवर करना है, सारे पास पर करने हैं, हमने तैयारी मुकम्मल करनी है अपनी। हम टाइम ज्यादा पढ़ लेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे हम, 6 घंटे पढ़ लेंगे हम, 5 घंटे पढ़ लेंगे, 4 घंटे पढ़ लेंगे,
लेकिन हमने अपना काम पूरा करना है, हमने पेपर के लिए कोई चीज छोड़नी नहीं है, पेपर हमारा अच्छा होना चाहिए हर हाल में। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को देखते हैं जी, तो हमें 14,000 की दी हुई है और इसको मशीन कॉस्ट पे करना है आपने, तो आप डिवाइड करेंगे 225,000 से डिवाइड करूंगा ना, मशीन कॉस्ट 225,000 है कि नहीं, नहीं 225,000 नहीं है मशीन कॉस्ट का टोटल, मशीन कॉस्ट टोटल कितना है यार 950,000 है। क्या आती है फ्रैक्शन? काफी होते हैं, अगर आगे पांच या पांच से बड़ा होगा तो राउंड कर लेंगे आप, 4-8 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे जी, 617,500 से 9,100 और इसका आ जाएगा जी 4,900। सर इसके साथ साथ हमें थ्योरी भी कराते जाएं जी, थ्योरी तो मैं साथ साथ करवाई तो थी यार उस दिन जब आप आए थे, जिनकी रह गई है वो मैं इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं सर, इधर से अभी आ गए एक्सप्लेन। अच्छा अच्छा वो मैं करवाता हूँ, साथ साथ करवाता जाऊंगा। आगे पहले बताओ मुझे टोटल इसका कितना है, इसको हम मशीन कॉस्ट पे कर रहे हैं, थ्योरी बहुत आती है यार, टोटल कितना है इसका यार? नहीं 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 मैं कर रहा हूँ, वैसे आप करना चाहते हैं तो करें, वैसे किसी सवाल में दिया भी होगा 14,000। आप जी टोटल करेंगे जी इन सबका, तो यहाँ पे हम नहीं नहीं आ जाओ, तुम्हारा काम पिछला वो जरूरी है, 1.5 महीना है ना, 1.5 महीने के लिए कर लो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसमें तुम्हारा फायदा है। सादा पाए नहीं कल, रोड पे इधर आपको पता है वो मजलिस वगैरह होती है तो बहुत ट्रैफिक, ठीक है मैं फिर इस वजह से आज आपके घर भी नहीं आ सका। ठीक है ठीक है, टोटल करो इसका मशीनिंग का कितना आता है जल्दी करो सर। कल कौन सी क्लास? अच्छा एकेडमी मंडे से आ जाना क्लास, वहां से सीधा मेरे साथ इधर आ जाना, ठीक है मैं भी आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जहीन? कुछ नहीं कुछ नहीं सर। अच्छा टोटल करो इसका यार, सबका टोटल करना है हमें। टोटल करो, टोटल बताओ यार सबका, पहले मशीनिंग का टोटल करेंगे फिर असेंबली का फिर मेंटेनेंस का फिर कैंटीन का, अब ग्रैंड टोटल भी हमारा सब टोटल इसके बराबर आएगा, यानी कि ठीक है। भाई मेरे घर में तो पेंट भी वही होता है जो रूहान कहता है, इतनी मोहब्बत है मुझे इससे, आप सोच लो अभी हो रहा है जो रूहान ने कलर कहा वही मैंने करवाया। हाँ अगर मेरे से पहले मिला होता तो मैं शादी भी इसकी मर्जी से करता, कि सर इस लड़की से करने में उसी से करता, इतनी मोहब्बत है। ये भी कोई बुरी बात नहीं की आपने से। अच्छा टोटल कितना आ रहा था दोबारा जरा बताएं। हाँ
ठीक है सर उसका आ रहा है 1215 चेक करो अभी 5200 बिलाल आप बता दो टोटल कितने आ रहे हैं जो बिलाल कहेगा वो फाइनल आप बता दो भाई क्या आ रहा है सर ठीक है 1289 ये तो नहीं आ रहा भाई भाई 1281208 सर ये मेरा हाँ सर मेरा असेंबली का 1215300 आ रहा है 5300 मैं एक सेकंड फिर चेक करता हूँ दोबारा चेक सेकंड फिर चेक फाइव थ्री होगा मैं भी कर देता हूँ बारह पंद्रह सात सौ है इसमें अगर आपसे गलती होती तो एक ही नंबर कटेगा आपका आगे नंबर नहीं जाएगा कुछ नहीं होता नंबर एक मेंटेनेंस का 179650 आ रहा है ये लेवल में इतना ही होता है हाँ किसका मेंटेनेंस का बताना दोबारा यार 179650 इस तरह कैंटीन का निकालेंगे सर कितना पाया उसने आपको मेंटेनेंस का 179650 मेरा आ रहा है 180650 चेक करो भाई क्या किया तुमने प्लस किया तो 5500 प्लस 1690 हां प्लस 5200 हां प्लस 2800 हां प्लस 2400 मेरा तो 180650 आ रहा है सर मेरा भी यही आ रहा है इसका बिलाल इसका 180650 आ रहा है ये 5300 है 1000 है